बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासों में हमने आंशिक भिन्न में व्यक्त करना के संबंध में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हर में दो गुणनखंड होते थे और दोनों गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होती थी। इस दो के बारे में पढ़ा था और उसको हम ए और बी मान करके बनाते थे और बड़े आसानी से उसके मान निकल जाते थे। आप लोगों ने घर में बनाकर देखा भी होगा। अब हम उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पर भी हमारा वही है कि हर में गुणनखंडों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति न हो मतलब एक ही समान के गुणनखंड नहीं आने चाहिए। यहाँ पर देखिए, हर में x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस सी तीन अलग अलग है। ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, तीनों अलग अलग है। अभी तक के दो लिए थे, अब हम तीन लेते हैं को आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना। और आंशिक भिन्न आपको मालूम है किसको कहते हैं, पार्ट, छोटे छोटे रूप में। हमारा यह जो भिन्न है इसको हम संयुक्त भिन्न बोलेंगे, जो बड़ा है, दो तीन छोटे छोटे भिन्नों को जोड़ करके यह एक भिन्न प्राप्त हुआ है। तो इस भिन्नों को जिन छोटे छोटे से मिलकर के बना है वो छोटे छोटे भाग हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब इसको व्यक्त करने में जब हम इसका हल ज्ञात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, एक बटे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी इक्वल टू ए बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस बी प्लस सी बटे एक्स प्लस सी। और इसको हम मान लेते हैं, मान लो, और इसी को हम समीकरण नंबर एक दे दिए। जब इसको हम समीकरण नंबर एक दे दिए तो एक बटे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हम क्या पाएंगे कि नीचे में एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी प्राप्त होता है। अब इस एक्स प्लस ए को इसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। ये सिंपल सा नियम है, आप लोग की छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बोलने की अब आवश्यकता नहीं है। ट्वेल्थ क्लास में पहुंच गए हो तो ये चीज़ तो आपको मालूम ही है। भाग देंगे, यहाँ पर ये दो बचेगा तो ए का जो इनटू है वो एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी से हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस सी हो जाएगा और सी वाले में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी आएगा। एलसीएम ने लिख दिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर दोनों का हर समान है, यहाँ पर भी x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, यहाँ पर भी x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, तो दोनों साइड के आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा एक बराबर a x प्लस बी, x प्लस सी प्लस बी x प्लस ए, x प्लस सी और प्लस सी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब यहां पर देखिए, यह जो हमारा समीकरण नंबर दो है, जनरली क्या होता है, जो बड़ा रहता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, छोटा वाला राइट हैंड साइड में रहता है। यहां पर प्रश्न के कारण छोटा हिस्सा राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, बड़ा हिस्सा राइट हैंड साइड में आ गया है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है तो दोनों समीकरण। और ये समीकरण या सर्वसमीका है तो सर्वसमीका जो होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। ये जो समीकरण है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा और वो x का प्रत्येक मान अलग अलग हो सकता है। यहां पर हम लिखते हैं कि समीकरण दो, समीकरण दो एक सर्व समीका है जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। और x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होने के कारण अतः
एक धन ए यहाँ पर बीच में है, एक धन ए भी है, एक धन बी भी है और एक धन सी भी है। तो एक धन ए बराबर शून्य या एक बराबर ऋण ए, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो एक बराबर ऋण ए समीकरण दो में रखने पर, जब हम इसको समीकरण दो में रखते हैं तो आप देखो क्या मिलेगा अपने को, एक बराबर ए ऋण ए धन बी ऋण ए धन सी धन बी ऋण ए धन ए और ऋण ए धन सी धन सी ऋण ए धन ए और ऋण ए धन बी। जहां जहां एक्स था वहां वहां ऋण ए लिख दिए, यहां पर एक्स था, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां सब जगह आपको ऋण दिखाई दे रहा होगा जहां जहां एक्स था। अब हमको और क्या मिल रहा है, देखो एक ये ए ऋण ए धन बी को हम बी ऋण ए लिख सकते हैं और ऋण ए धन सी को हम सी ऋण ए लिख सकते हैं। क्लियर है वाला लाइन। अब इस लाइन में देखिए ऋण ए धन ए कट जाएगा, जीरो आएगा और ये जीरो आएगा, ये भी हमारा जीरो आएगा और जीरो का हम किसी से भी गुणा करते हैं तो वह जीरो के बराबर हो जाता है और जीरो के बराबर जब हो जाएगा तो एक बराबर ए, मैं इसको आगे चलो आपके जानकारी के लिए लिख देते हैं, दोनों को हम जीरो जीरो लिख दिए इस दोनों को, ये चीज क्लियर हो गया। और यदि समझना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चलिए ये आपको कंफ्यूज हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इस पूरे का मान जीरो हो गया प्लस सी इस पूरे का मान जीरो हो गया। अब ज्यादा क्लियर है। अब यहां पर देखिए मैं इस पास इसको बना देता हूं, एक बराबर ए बी ऋण ए और सी ऋण ए, बाकी हमको जीरो मिला, ए बी ऋण ए और सी ऋण ए, इधर का भी जीरो मिला, इसका भी जीरो मिला। और इस तरीके से हम जब ए का मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है एक बटे बी ऋण ए और सी ऋण ए, इसको हम दे दिए समीकरण नंबर तीन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद अभी तो हम ए का मान निकाले हैं, अब हमको बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है, तो पूरी प्रक्रिया पुनः उसी तरीके से हम करते हैं, हम इसको मिटा नहीं रहे, आप इस पास से ध्यान देंगे, ये जो राइट का चिन्ह हम लगा है यहां से आप ध्यान देंगे सिस्टम में। यहां पर हम एक शब्द लिख दिए पुनः समीकरण दो एक सर्वसमीका है जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है और x के प्रत्येक मान के सत्य है, अतः x धन b बराबर शून्य या x बराबर ऋण b समीकरण दो में रखने पर। अब जब हम समीकरण दो में रखेंगे तो समीकरण दो में जहां जहां हम चूंकि पहले वाले के मिटा के कर रहे हैं, x के जगह में ये ऋण भी रख दिए, सेकेंड वाला में इस x के जगह में ऋण भी रख दिए, थर्ड वाला में x के जगह ऋण भी रख दिए, फोर्थ में x के जगह ऋण भी, इस फिफ्थ में x के जगह ऋण भी और इस सिक्स्थ में भी x के जगह ऋण भी। क्लियर आप लोग को, इतने में हम पूरा नहीं मिटाए थे उसके बावजूद समझ में तो आ रहा है ना। अब यहां पर देखिए जब हम इसको चेंज करते हैं, ऋण बी में इसको चेंज कर दिए तो क्या पाते हैं, अब यहां पर देखो ये ए ऋण बी और धन बी, ये ऋण बी और ये धन बी, ये कट के जीरो हो गए, ये रहेगा भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो का गुणा किसी से भी होगा तो वो जीरो के बराबर ही आएगा। दूसरे हिस्से में बी इसको हम लिख सकते हैं ए ऋण बी और इसको लिख सकते हैं हम सी ऋण बी,
ए ऋण बी और इधर सी ऋण बी प्लस थर्ड वाला हिस्सा, यहां बी ऋण बी जीरो हो जाएगा तो सी के साथ क्या आ जाएगा हमारा जीरो। अब इस तरीके से देखिए यहां पर हमको ए का मान और सी का मान जीरो प्राप्त हो रहा है, ए और सी का मान जीरो प्राप्त हो रहा है, तो ए और सी का मान जीरो प्राप्त हो रहा है। उसके बाद का हम यहां लिख लेते हैं, ध्यान रखना ए बराबर बी, बी ऋण ए, सॉरी ए ऋण बी और सी ऋण बी, या बी बराबर एक बटे ए ऋण बी और सी ऋण बी, ये समीकरण नंबर चार होगा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिए दो मिनट, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, नहीं तो फिर मिटाएंगे तो आप लोगों को तकलीफ होगी। चलिए हो गया, अब आते हैं हम तीसरे स्थिति में। दो स्थिति हुआ, ए का मान निकाले हम, बी का मान निकाले, अब हम किसका मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। वही स्थिति हमारा सी में भी करना है, पुनः समीकरण दो एक सर्वसमिका है जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अतः अब x धन b जो लिखा हुआ था हम उसको मिटा करके अब किसके लिए ले रहे हैं, x धन c के लिए। यहाँ पर देखिए टीचर को कम मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, हम तो एक एक अक्षर मिटा दे रहे हैं और सिस्टम बताते चल रहे हैं, है ना। ये बताने का आशय हमारा ये है कि जो पैटर्न रहता है सब चीज उसी पैटर्न में बनते हैं, लीक से हट करके हमको बाहर नहीं जाना है, यदि हम बाहर जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, जैसा पहला था वैसा ही दूसरा है। तो x बराबर अब हम क्या रखेंगे यहां पर, ऋण c, समीकरण दो में रखने पर, जहां जहां शुरुआत वाले में अपना x धन b x धन c था, पहले में x था, तो ये जहां जहां मैं b लिखा हूं इसको देखिए, मैं इस b को शुरुआत वाले को ही मिटा दे रहा हूं। अब देखिए जहां b लिखा था वहां मैं क्या लिख दिया, c, ऋण c, ऋण c, ऋण c, ऋण सी, यहां पर भी ऋण सी और यहां पर भी ऋण सी, ए ऋण सी धन बी ऋण सी धन सी, बी ऋण सी धन ए और ऋण सी धन सी, सी में ऋण सी धन ए ऋण सी धन बी। अब ऋण सी और धन सी है तो ए वाला जीरो हो गया, बी में भी देखिए ऋण सी और धन सी आ रहा है तो बी वाला भी जीरो आ गया, प्लस बच गया सी वाला, तो सी में क्या बच गया, ए ऋण सी और बी ऋण सी। दोनों में थोड़ा सा जो ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा सा, वो क्या है, हमारा जो सी लिखा हुआ है, ये जो सी है ए बी सी, ये जो लिखे हैं, ये वाला हमारा कैपिटल सी है, थोड़ा बड़ा सी है, ये हमारा कैपिटल सी में है और ये अंदर के जो है वो स्मॉल सी में है, बस इसी को थोड़ा सा लिखते समय ध्यान देना है, आपको बाद में इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ख्याल रहेगा। ये सी और ये सी में अंतर है, एक कैपिटल सी है और दूसरा स्मॉल सी है। अब इसमें से हमको तीसरे स्थिति में क्या मिल गया, एक बराबर सी, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं हम, कैपिटल सी ए ऋण सी और बी ऋण सी और यहां पर हमारा कैपिटल सी आएगा, बराबर ये कैपिटल सी, या सी इक्वल टू आ गया एक बटे ए ऋण सी
और बी ऋण सी ए समीकरण नंबर 5। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको तो आप कॉपी में हल करेंगे, कॉपी में स्पेस ज़्यादा रहता है, आप पन्ने पलट सकते हैं, हमारे पास बोर्ड में जगह कम होता है और आपको पूरा चीज़ बताना भी है, मिटा देंगे तो आपको बता नहीं पाएंगे, इस कारण हमने उसी में मिटा करके किया है जिससे आपको समझ में भी आ जाए। और जो छोटा सा हमारे पास साइड में स्पेस बचा हुआ था, आपको इस तरीके से आपके कॉपी के साइड में नहीं लिखना है, आपको जिस क्रम में आ रहा है उसी क्रम में लिखना है, और ए का मान, बी का मान और ये हम सी का मान अलग अलग निकाल लिए। और ये तीनों मान निकल जाने के पश्चात हम लिख लेते हैं समीकरण, इसे नीचे का मिटा देते हैं, इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं कि ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। हमने ऊपर का इसलिए नहीं बताया ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो पहले समीकरण 1 लिखे थे वही समीकरण है, कोई समीकरण में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये हमारा समीकरण 1 ऊपर में है। अब हमने ए का जो मान निकाला, ये समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड, ए का मान क्या निकाले हैं, 1/, ये एक्स प्लस ए पहला और बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस 1/ एक्स प्लस बी ए माइनस बी और सी माइनस बी प्लस 1/ एक्स माइनस प्लस सी ए माइनस सी और बी माइनस सी। तो यह हमारा जो प्राप्त हुआ, ये लाइन खींच करके डब्बे में जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो हमको प्राप्त हुआ वो उसका आंशिक भिन्न प्राप्त हुआ। और एक चीज देखोगे आप, हमको जब सवाल हल करना होगा तो पूरे क्रियाविधि से हल करना होगा, इन सूत्रों का एक पैटर्न हमको पता चलता है कि हम प्रश्नों को हल किस तरीके से करते हैं। आप इसको देखो तो एक याद रखने के लिए आपको क्रम भी पता चल जाता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला में x प्लस है, दूसरे में x प्लस बी, तीसरे में x प्लस सी, दूसरा जहां a है वहां a माइनस हुआ है, देखिए b माइनस ए और c माइनस ए, जहां b है वहां b माइनस हुआ है और जहां c है वहां c माइनस हुआ है। तो इस तरीके से आप क्रम को देखेंगे तो आप आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा जो इसका दूसरा प्रश्न आते हैं, जैसे इसके अंश में क्या था, 1 था, यदि इसी प्रकार यदि हमारा पैटर्न बदल जाए 1/ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी या एक्स माइनस सी दिया हुआ, इस तरीके से दिया हो, तो भी हम इसको 1/ एक्स माइनस ए प्लस b/ एक्स माइनस बी प्लस c/ एक्स माइनस सी, इसको लेकर के हम हल कर सकते हैं, चाहे तीनों माइनस हो, चाहे कोई 2 प्लस हो 1 माइनस हो, या 2 माइनस हो 1 प्लस हो, हर में कोई भी कॉम्बिनेशन बने, आपको इसी तरीके से लेकर के हल करना है तो उसको आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इस जो ऊपर का है इसको आप लोग लिख लीजिए, और इसके बाद में यदि अंश में पी एक्स प्लस क्यू के रूप में हो, कोई बहुपद दिया हो, कोई परिमेय व्यंजक दिया हो ऊपर में, तब हम किस तरीके से हल करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको अब तक के आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब आगे देखते हैं हम
इसमें से इसके दूसरे पैटर्न के बारे में अभी बताया, अब इसका तीसरा पैटर्न देखते हैं। प्लस क्यू बटे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी को आंशिक भिन्न में व्यक्त करना। पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त करना। जैसे हमने पहला वाला हल किया था ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले को भी हमको हल करना है। इसमें भी हम लघुत्तम निकालेंगे और मान ज्ञात करेंगे तो ए बी सी के पदों में अलग अलग मान आ जाएंगे। आपको पहले की कार्यविधि अच्छे से समझ में आ गई है, महत्वपूर्ण है हमारा उसकी कार्यविधि, उसको हम हल कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ए बी और सी है ये तीनों कौन सी राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं, इनका मान बदलता रहेगा। कोई प्रश्न में 5 होगा, 2 होगा, ऋण 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी से हम निकाल भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सवाल तो हमारे दूसरे पैटर्न से बनेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि हर में 3 गुणनखंड हो और अंश में यदि अचर राशि हो, अचर राशि मीन्स 1 हो, 2 हो, 5 हो, 11 हो, उसके साथ चर राशि नहीं हो, x का मान नहीं हो, या कोई बहुपद हो पी एक्स प्लस क्यू में, हमारा बनाने के तरीके में कोई अंतर नहीं आता है, उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज है ध्यान रखने का, वो ध्यान रखने का ये है कि किसी भी संयुक्त भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलते समय उस संयुक्त भिन्न के अंश और हर के घात को अवश्य देखना है। जैसे यहां पर इस x की घात 1 है, लेकिन यहां पर x की घात कितनी है हर में, यहां पर भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तीनों बार गुणा हो रहा है वो, तो x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। कहने का मतलब हमारा यह पार्ट में बांटना a बटे b बटे c बटे तभी संभव है या तभी सही है जब अंश की घात कम हो और हर की घात ज्यादा हो। यदि ऊपर में x की घात 4 होता, यहां पर x की घात 4 होता, तो हमारा ये तरीका गलत हो जाता। उस परिस्थिति में हम पहले भाग दे करके उसको उचित भिन्न में परिवर्तित करते हैं। और आपको मालूम होगा पहले कालखंड में हमने उचित भिन्न के बारे में बताया है, और उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो यदि आपको याद होगा तो। चलिए इसके बाद में, चूंकि ये उसी पैटर्न का है तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके बाद इसके प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करके देखते हैं कि वो सवाल कैसे बनते हैं। लिख तो दिया है यहाँ पर प्रश्नावली 1.3, हो सकता है वो आपके बुक में कोई दूसरे प्रश्नावली में हो, 2 में हो, 1 में हो, किसी में भी हो सकता है। हमको ज्यादा जो कंसंट्रेट करना है वो उसके प्रश्न में कंसंट्रेट करना है। जैसे एक आठ प्रश्न ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आंशिक
चिन्ह में बदलिए। आपको हमने जैसा बताया था, हर में तीन गुणनखंड बताया था। आप जब प्रश्न देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज आया होगा, बताए तो तीन वाला थे और लिखे क्या है। तो यहां पर आपको प्रश्न देख करके सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम प्रश्न को परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं तीन गुणनखंड में। तो यहां पर हम आसानी से इसको गुणनखंड में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हल एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन में ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड और ये तीसरा गुणनखंड। और हम जिस पैटर्न का आपको समझाए नहीं थे, कौन सा वाला, पी एक्स प्लस क्यू वाला, तो वो px plus q के रूप में आ गया। जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है बताए थे हम आपको प्रश्न हल करते समय, वो क्या बोले थे, x की घात अंश और हर की। यहां पर देखिए x की घात कितनी है, अधिकतम घात दो, और यहां पर एक दो और तीन, चूंकि ये गुणा के रूप में है इसलिए सबका गुणा होगा, तो नीचे तीन है। तो हम इजी वे में उसी पैटर्न से इसको हल कर सकते हैं, हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसके बाद उसको हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि और ये दोनों बराबर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स माइनस वन प्लस सी बटे एक्स प्लस वन मान लो, और यही हमारा समीकरण नंबर एक हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इधर बी में आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वन, प्लस सी में आ जाएगा एक्स, सॉरी बी में आएगा हमारा एक्स और एक्स प्लस वन, क्योंकि इसके नीचे में माइनस है तो ये x प्लस वन ऊपर आ जाएगा, और c में आ जाएगा x x माइनस वन पूरा का बटे x x माइनस वन और x प्लस वन। दोनों तरफ से x x माइनस वन और x प्लस वन कट जाएंगे, हमारा बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स और एक्स माइनस वन। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। क्लियर है यहां तक के, जैसा पहले सब फार्मूला डिराइव करने के लिए हल कर रहे थे ठीक उसी तरीके से चल रहा है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण दो एक सर्व समीका है, अतः x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए इधर लिख देते हैं हम, सत्य है। समीकरण दो में x बराबर शून्य लेने पर, अब हम समीकरण दो में x के बराबर शून्य लेते हैं तो पहला वाला क्या हो गया, यह x स्क्वायर है तो ये शून्य धन एक बराबर एक, शून्य ऋण एक और शून्य धन एक प्लस बी शून्य और शून्य धन एक प्लस सी
शून्य और शून्य ऋण एक। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मान रखो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के ऊपर जरूर रहना चाहिए। जब आप अपना लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन के ऊपर रखोगे और अपना पूरा दिमाग कंसंट्रेट x इक्वल टू जीरो रखना करोगे, तभी आपसे गलतियां नहीं होंगी। यदि आप इधर उधर, आपका हाथ इधर नहीं है, इधर उधर रख दिए, तो पूरा आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। फिर आप गलती खोजोगे तो आपको गलतियां नहीं मिल पाएंगी। अब यहां पर देखिए, यहां बच गया एक, ये माइनस वन और प्लस वन इंटू करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस ए। प्लस बी के साथ जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, सी के साथ जीरो है यहां पर इंटू में, तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कुछ नहीं बचा, अतः ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। ये हो गया समीकरण नंबर तीन। पुनः समीकरण दो में एक्स ऋण एक बराबर शून्य या एक्स बराबर एक रखने पर, तीनों मान हमको लाइन से रखने हैं, तीन मान आपको दिख जा रहे हैं, कौन कौन से मान रखने हैं, एक एक्स ऋण एक है, दूसरा एक्स धन एक है, किसी को भी आप आगे पीछे ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ए का मान पहले निकल रहा है कि सी का मान पहले निकल रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा क्रमबद्धता रहे तो अच्छा लगता है। यहां पर हम मान रख देंगे x का मान एक रखने पर, तो ये एक का वर्ग, ध्यान रखना x का जो मान है आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी रखना है और राइट हैंड साइड में भी रखना है। x का वर्ग है तो ये एक का वर्ग धन एक बराबर a, फिर यहां पे x का मान हमने रखा एक, तो एक ऋण एक और एक धन एक, प्लस b एक्स का मान एक और एक धन एक, प्लस सी एक्स का मान एक, एक ऋण एक। तीनों मान रखने के पश्चात हम क्या देखते हैं, एक का वर्ग एक और ये एक हो गया दो, ए का मान जीरो आ गया ए के साथ, एक ऋण एक जीरो, बी के साथ में क्या आता है देखिए, एक और एक दो, दो एकम दो, और C के साथ में एक ऋण एक जीरो, तो ये हो गया जीरो। इस तरीके से दो बराबर ये जीरो तो दो बी, या इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं B बराबर एक, ये दो नीचे चला जाएगा, दो इक्वल टू दो बी, तो B का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये समीकरण नंबर चार हो गया। अब पुनः समीकरण दो में x धन एक बराबर शून्य या x बराबर ऋण एक रखने पर, अब तीसरी स्थिति में आ गए। तीसरी स्थिति में आते हैं, ऋण एक रखे हैं तो ऋण एक का वर्ग धन एक बराबर, ये हमारा समीकरण दो है इस तरफ, a ऋण एक ऋण एक धन एक बी का मान में, प्लस बी ऋण एक धन एक, प्लस सी के मान में ऋण एक और दूसरा ऋण एक और ऋण एक। तीनों मान रख लिए, तीनों मान रखने के बाद हल करेंगे, ऋण एक का वर्ग एक, एक और एक हो गया दो बराबर ए, ये हो गया शून्य। ये देखिए ऋण एक और धन एक, ए के मान में शून्य हो गया, यहां पर ऋण एक और ऋण एक तो बी के मान में भी शून्य हो गया, और सी के मान में देखिए ऋण एक और ऋण एक, ऋण दो का गुणा ऋण एक से होगा तो धन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धन टू सी। दोनों जीरो हो गए तो दो बराबर दो सी या सी का मान कितना आ गया एक, ये समीकरण नंबर पांच हो गया।
इस तरीके से आपने देखा कि हम ए बी और सी का मान निकाले। एक चीज जो आप यहाँ पर नोट किए होंगे वो देखिए कि एक बार ए बसता है बी सी जीरो हो जाता है, दूसरी बार बी बसता है ए सी जीरो हो जाता है, तीसरी बार सी बसता है और ए बी जीरो हो जाता है। तो एक क्रम रहता है। थोड़ा सा आप सवाल बनाने की प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपसे ये सवाल बन जाएंगे। ये मान निकल जाने के बाद में इसी को हम आगे लिख देते हैं। इधर का लिख लिया, ए बी सी का मान समीकरण एक में रखने पर, और जब हम इसका मान समीकरण एक में रखते हैं तो ये मिल जाता है एक्स स्क्वायर धन एक्स एक्स ऋण एक एक्स धन एक बराबर ए का मान एक निकला था एक बटे एक्स एक बटे एक्स ऋण एक और एक बटे एक्स धन एक, और यही हमारा आंसर होता है। तीनों के माने के गए थे। अब देखिए ए का मान, सॉरी एक जगह ए का मान कितना आया है, ऋण एक आया है, तो यहां पर क्या का चिन्ह लगेगा, ऋण का चिन्ह लगेगा। बी का मान कितना आया है, ये ए का मान है, बी का मान हमारा एक आया है और सी का मान भी हमारा एक आया है। तो ऋण एक बटे एक्स, एक बटे एक्स ऋण एक बी की जगह और सी एक बटे एक्स धन एक, इसको हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखे या हम इसको चाहें तो पलट के भी लिख सकते हैं। पलटने का मतलब एक बटे एक्स ऋण एक को पहले लिख दिए, एक बटे एक्स धन एक को उसके बाद लिख लिए, या ऋण एक बटे एक्स ऋण वाले को लास्ट में लिख दिए, ऋण चिन्ह को सामने में जनरली नहीं लगाते हैं। गलत ये भी नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरीके के सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना विस्तार से और जितने अच्छे से हमने आपको इस सवाल को बताया है, तो सवाल बनाते समय आपको इसमें कष्ट नहीं होगा। चलिए एकाध इसी से संबंधित एकाध सवाल और देख लेते हैं, या हम उस सवाल को आपको लिख देते हैं, आप उन सवालों को घर में बनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब हम बताएंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा सा समय लगेगा और आपकी घड़ी आपकी घंटी बजने का इंतजार कर रही है। तो इस सवाल को हम लिख देते हैं, एक दो सवाल आप कोशिश जरूर करिएगा बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग बड़ी क्लास में हैं और जितने भी क्लास में सवाल बताते हैं, और उसके बाद कक्षा में ज़्यादा सवाल बताने होता नहीं है, और उसके बाद जितने भी सवाल बचते हैं आपके बुक के वो आपके पूरे होमवर्क होते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में आपके मैथ्स के टीचर नहीं हैं, तो आपको बताने वाला कोई नहीं है, आपको मेहनत स्वयं को करना है। तो आप जी जान से जुट जाइएगा। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस थर्टीन बटे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को आंशिक भिन्न में व्यक्त कीजिए। बाकी क्वेश्चन को तो बुक के आपको करना ही है, इस क्वेश्चन को स्पेशली करना है। डरने की कोई बात नहीं है कि बोले हैं पी एक्स प्लस क्यू, लेकिन यहाँ पर तीन पद में दिया हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वन एक गुणनखंड दिया है,
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो x माइनस टू और x माइनस थ्री निकल जाएगा, तो तीन गुणनखंड हो गए। बाकी हमारा तरीका वही है जैसे पहला सवाल बनाया गया था। तो ये सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। यदि नहीं बन पाएगा तो कल हम इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे, और यदि बन जाता है तो हम ऐसे सवालों के बारे में कल चर्चा करेंगे जिसके हर के गुणनखंडों में पुनरावृत्ति होती हो। इसमें किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई थी, अलग अलग थे। अब हम उसकी चर्चा करेंगे जिसमें जब हर का जो घातीय गुणनखंड है वो पुनरावृत्ति होता हो। चलिए, धन्यवाद।